सभी भाइयों को राम राम दोस्तों, मैं आपका अपना छोटा भाई शिवराज छावड़ी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी भाइयों को पता है, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर सुबह से एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि भाई मनराज दीवाना के घर पर किसी ने आग लगा दी है और ऐसे में भाई मनराज दीवाना का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल फैक्ट है और रियल बात है। बताया जा रहा है कि भाई मनराज दीवाना की थार और स्कॉर्पियो दोनों गाड़ियों को जला दिया है और ये भी क्लियर हुआ है कि भाई मनराज दीवाना के कुछ अनजान दुश्मन थे, क्योंकि पता नहीं चल पाया कौन थे, तो अनजान माना जा सकता है लेकिन जल्द पता चल जाएगा। और जिन्होंने भी भाई मनराज दीवाना के साथ में ये किया है, बहुत गलत किया है, उन्हें इनका इल्जाम भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, मैं जानता हूं कि भाई मनराज दीवाना की फैन फॉलोइंग लाखों में है, करोड़ों में है, तो आज आप सबको, हम सबको भाई मनराज दीवाना को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि भाई मनराज दीवाना को ज़रूरत है उनके फैनों की, हम सबकी। और दोस्तों, जो भाई कमेंट कर रहे हैं कि अफवाह मत डालो, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई सीताराम छावड़ी के पेज पर जाइए, मनराज दीवाना के पेज पर जाइए, रियल पेज है, कोई फेक पेज नहीं है, अच्छे से चेक करो, ये फैक्ट है और रियल है कि भाई मनराज दीवाना के मकान पर आग लगी है और कोई भी न्यूज़ फेक नहीं है। और जिन्होंने भी भाई मनराज दीवाना के साथ ये किया है, बहुत गलत किया है, क्योंकि वो बंदा अपनी मेहनत और अपने दम पर अपना नाम कमा रहा था और आजकल लोग बराबरी तो कर नहीं पाते हैं और दूसरों को देखकर जलने में ही बस नुकसान पहुंचाते रहते हैं। लेकिन इससे भाई मनराज दीवाना का कोई नुकसान नहीं होने वाला, गाड़ी की इंश्योरेंस है, बीमा है, पैसे मिल जाएंगे। बस ये है कि भाई मनराज दीवाना के साथ में जो भी गलत कर रहे हैं उनका पता चला तो बहुत बुरा होगा और अभी जल्दी भाई मनराज दीवाना रिपोर्ट करा देगा। और जैसे भाई मनराज दीवाना की लाइव वीडियो आती है मैं आप सबको बता दूंगा, लेकिन उससे पहले भाई मनराज दीवाना को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो दोस्तों, हम सबके सपोर्ट की भाई को ज़रूरत है। और ये फैक्ट है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं बस भगवान से, श्री देवनारायण भगवान से यही दुआ करूंगा कि भाई मनराज दीवाना को हिम्मत दे, क्योंकि 22 लाख की थार और 4-5 लाख की स्कॉर्पियो, कुछ और भी घर में नुकसान सहना छोटी मोटी बात नहीं है। आर्टिस्ट है, अपनी मेहनत से एक एक पैसा कमाता है, तो किसी को भी देखकर मत जलो। अगर बराबरी नहीं होती है तो कम से कम किसी का नुकसान तो मत करो। सो प्लीज दोस्तों, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जल्दी जैसे ही किसने लगाई है आग पता चलेगा, आप सब कुछ जल्द बता दिया जाएगा। राम राम भाइयों।